क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इन। यार एक बंदी है वो मुझे पसंद आ गई, उसको क्रश हो गया। कैसी है? बढ़िया, अच्छी है यार। अच्छी है ना? अब उससे पूछ के आप डिसाइड करोगे क्या? भाई इसका नाम बहुत अजीब सा है। एंजल है? एंजल। एंजल तो शॉर्ट नेम है तुम्हारा, रियल नेम? क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, तो भाई ये मेरे साथ आज हेल्प करने वाली है निशा को जेलस करने में। तो निशा आती है फिर मैं बताता हूँ कि ये मेरी क्रश है, तो देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। तो भाई निशा आ गई है, कैमरा उधर कर दो। और यार आज ये इसे फिर अगेन जेलस करने वाला हूँ आज। हाय। हाय। क्या हो? हाय, हाथ मिला के होता है। रिंग दब गई। क्या हुआ? सुरभि की रिंग थी। तुम्हारी सुरभि अभी तक ख्यालों में ही है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ तुम्हें एविएटर गेम खेलने के सबसे रोमांचक तरीके से परिचित कराकर अपनी किस्मत को आजमाने और सबसे जरूरी बात एक पूर्व स्पोर्ट का अनुभव कराकर तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का पुर्जा बनना चाहता हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ फोरा बेट के बारे में। ये ऐप तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा शानदार बना देगा। मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, तुम्हें 40,000 रुपए तक का शानदार 700% बोनस मिलेगा, जो कि एविएटर जेडएक्स और एविएटर जेएस जैसे गेम में जादू की तरह काम करता है। इनक्रेडिबल फोरा बेट वर्ल्ड में अपना शैक्षिक कार शुरू करने के लिए ये है तुम्हारा सुनहरा टिकट। डिपॉजिट के बाद मैं जमा करता हूँ और बोनस प्राप्त करता हूँ। देखो मैंने 3500 रुपए जमा कर दिए हैं। टूर्नामेंट का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा इजी है, यहाँ तुम्हें एविएटर गेम बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा फेवरेट गेम है और ये बहुत ही ज्यादा इजी एंड एडिक्टिव है और इसके रूल्स बहुत ही इजी है। बस प्लेन क्रैश होने से पहले तुम्हें कैश आउट कर लेना है। वेल डूड, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ 2400 रुपीज लगाए हैं और लेट्स सी क्या होता है, मैं जीतता हूँ कि हारता हूँ। और मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है तो देखते हैं। और ये कैश आउट, तो गाइज यार देख सकते हो मैं यहाँ 11,232 रुपए जीत गया हूँ। एंड गाइज अगेन मैंने यार 2400 रुपीज लगाए हैं, तो मैं लगा देता हूँ ये पैसे और देखता हूँ जीतता हूँ कि हारता हूँ, लेट्स सी। और ये कैश आउट, तो गाइज यार देख सकते हो मैं यहाँ 12,228 रुपए जीत गया हूँ। मैं यहाँ पे जीते हुए 22,000 रुपए निकाल रहा हूँ और ये फोरा बेट बहुत ही ज्यादा इजी है। तो मेरे और मेरे फ्रेंड की तरह फोरा बेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एविएटर गेम खेलो। मैंने नीचे लिंक दे दी है, इसलिए इसे आजमाओ और इस अनुभव को शुरू करो। एविएटर पर 40,000 रुपए तक पाओ, सो गुड लक। ख्यालों में नहीं, ख्यालों में इस टाइम कोई और आ गया है। मतलब एक्चुअली कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम मुंह बना लेती ना जो इतना चूजे जैसा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है बताते हुए। बताऊं? सुरभि बताया था तुम्हें, पैचअप हो गया था, तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया था। अभी कोई चीज सच वाली चीज बताऊंगा तो तुम्हारा मुंह एकदम ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ तुमसे बताने में। क्या हुआ बताओ तो। यार एक बंदी है वो मुझे पसंद आ गई, उसको क्रश हो गया। हाँ? क्रश बन गई वो मेरी। ओके, कौन है? तो मैंने सोचा यार तुमसे मिलाऊं और फिर तुम मुझे बता दो यार कैसी है कैसी नहीं, तो फिर सोच रहा हूँ उसके साथ आगे चीज़ें बढ़ाने की। और क्या मुझसे क्यों मिलवा रहा? अरे यार तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुमसे नहीं मिलवाऊंगा तो किससे मिलवाऊंगा? अभी इस टाइम पे लड़कियों में ना मेरे लाइफ में तो तुम ही हो जो कि जिससे बात बात अच्छे से हो रही है। पर ना सुरभि के जाने के बाद मैं किसी से बात बात कर नहीं रहा हूँ और वो लड़की मुझे एज अ मतलब कैसे बताऊँ अलग ही तरीके से पसंद आई है, तो मैंने सोचा यार तुमसे मिला दूं, तुम बात कर लो एक बार से देख क्या लो। करोगी मिलवा के ये बताओ। अभी वो यहाँ पे आ भी नहीं ना, तो मैंने सोचा तुम्हें ही बुला लेता हूँ, दोनों को मिलवा भी दूंगा और दोनों से मिल भी लूंगा। के लिए मतलब बुलाया तुमने? वो यहाँ पे आ रही है तो उसने बोला मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो मैंने सोचा तुमको भी यहाँ बुला लेता हूँ, तुमसे ही मिल लूंगा और साथ में उससे मिला भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिला लो, मुझे कौन सी दिक्कत होगी। मिला लूँ, बुला लूँ उसे, आ रही है, वो बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ रही है। तो ये बोलो ना तुमने पहले बुला लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे कौन सी दिक्कत है? मुझे कोई सी दिक्कत नहीं है। ओके यार उसी की कॉल आ रही है, फोन अभी तक साइलेंट पे था, 4 मिस कॉल आ चुकी है। हेलो, हाँ जी, नहीं नहीं मैं पार्क में ही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, गेट पे आ गई है वो पार्क के। पहले बुला लिया मतलब मुझसे बोला। लेकिन यार बंदी सच में बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी है, प्यारी है, अच्छी है ना, क्यूट है, अच्छी बात है, क्यूट है। तो पार्क के बाहर ही है, आ गई तू। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों
क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इन। हाय, कैसे बढ़िया आप बताओ। ये मेरी फ्रेंड है निशा। निशा ये वो है जिसको तुम्हारे बारे में जिसके बारे में तुमसे बताया था, वही है। कैसी है? बढ़िया, अच्छी है यार। अच्छी है ना? अब उससे पूछ के आप डिसाइड करोगे क्या? अरे अरे यार, मुझसे पूछ के डिसाइड करेगा। एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है ना, तो मुझसे पूछेगा ना यार। उनको डिसाइड करना है यार। वो मेरा फ्रेंड है पहले का, तुम्हारा अब भी बना होगा कुछ भी, बट वो मेरा पहले है, ठीक है? तो वो मुझसे पूछ सकता है। अरे यार चुप रहो, मैं कुछ नहीं बना हूँ अभी उसका। अरे लेकिन नहीं यार, इसलिए बुलाया था क्या तुमने कुछ यार भी? देखो तुम नहीं चाहती ना मैं इससे पूछूं। हाँ तुम नहीं पूछोगे क्या? वो नहीं बोलेगी तुम? देखो बेला, इसके साथ मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो इसके सामने नॉर्मल रहो थोड़ा सा, ठीक है? मैं नॉर्मल हूँ यार उसको देख के। मुझे नहीं लग रहा है तुम नॉर्मल हो। नॉर्मल रहो और यार प्लीज तुम टेंशन मत लो, है ना? ठीक है मैं चलती हूँ फिर। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ बस, तुमने इसलिए तो बुलाया। अच्छा, तुम्हें कैसी लगी है नेचर वाइज? मुझे तो एकदम बेकार लगा। मुझे ना नेचर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे एटीट्यूड वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं यार। इसमें क्या एटीट्यूड वाली बात हो गई? नहीं यार मतलब वो मेरा क्या एटीट्यूड वाली क्या बात हो गई? वो मेरा फ्रेंड है ना, तो उसको पूछना चाहिए यार। तुम लोग आपस में बहस क्यों करने लगते हो? बहस की बात ही नहीं है यार, मतलब कोई क्या तुम कमी? मैं इसलिए बुलाया कि तुम लोग दोस्त बन जाओ। तुम लोग क्या फ्रेंड नहीं बन सकते यार? दोस्ती अलग होती है, बोलने का तरीका आपने देखा तरीका क्या है? क्या गलत बोला ये बताओ। मैंने ये बोला उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ में मुझे रहना है। अच्छा वो क्यों पूछेगा? आप क्यों पूछेगी उसको? वो मेरा फ्रेंड है, नहीं पूछ सकता। बुरे टाइम पे तुम छोड़ के जाओगी, ठीक है? अगर आगे जाके ये बोलेगा कि उसको छोड़ दो, तो आप छोड़ दो। तुम बेफिजूल की बातें कर रही हो। इसके साथ थोड़ा सा मुझे डिनर वगैरह करना है। हां जाओ, तुम डिनर करने जाओ कुछ भी। तो तुम कहां? तुम मैं जा रही हूं घर फिर। तुमने बस ऐसे ही बुलाया था मुझे छुट्टियां का काटने के लिए। अच्छा यार तुम ऐसे बैठ जाओ, और बाकी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें छोड़ना हो तो बोलो, घर ऑटो कैब वगैरह करवा। मैं खुद चली जाऊंगी, ऑटो कैब वगैरह करवा दूं मैं, तुम बोलो तो। मैं चली जाऊंगी यार, तुमने बस यार अभी। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मेरी बात सुनो। सुना यार, बोलोगी तुम कुछ बोलोगी? अरे ऐसा कुछ ही नहीं है निशा। निशा कुछ ही नहीं है, फ्रेंड है मेरी बस। बस रहने दो। अरे फ्रेंड है मेरी, कुछ नहीं उससे ज्यादा। एक मच्छर परेशान करो, ऊपर से तुम्हें यार मना बता रहा हूँ, तुम्हें फ्रेंड कैमरा लगाया था, प्रैंक कर रहा था, वो देख लो ना। तुम रहने दो यार, हटो यार, मतलब कुछ भी। हाय करो उधर, बंद करा दो। हाय।